हेलो एवरीवन। सो आज का ज्ञान, मैंने अपने सेल्स करियर के दौरान ये देखा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट में आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतने परफेक्ट बैट्समैन आप बनते हो, वैसे ही सेल्स कॉल भी सेम है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आप बढ़िया सेल्समैन बनते हो, राइट? एंड बाय कोर आई एम अ सेल्समैन। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब जो सीएमडीशिप है या मैनेजमेंट है ये सब सेकेंडरी है, बट आई एम वेरी गुड सेल्समैन। अब एक गलती है जो मैं बहुत रेगुलरली देखता हूँ लोग करते हैं, तो आज मैं उसको कुछ लिंक करना चाहता हूँ किसी चीज़ से। देखिए आपको क्या समझ में आता है इससे। मैं क्रिकेटर हूँ और मैं बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करता हूँ। सालों साल मैं एक शॉट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेट्स से मैं हुक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या मैं स्क्वायर ड्राइव, स्क्वायर कट कर रहा हूँ, स्ट्रेट ड्राइव कर रहा हूँ, वट एवर, मैं एक शॉट बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ, राइट? और मेरा मैच डे है आज, बॉलर क्या बॉल फेंक रहा है मैं ये नहीं देख रहा हूँ, बट मैंने जो प्रैक्टिस किया है मैं वो शॉट खेल रहा हूँ, क्या होगा? आप सब जानते हैं रिजल्ट क्या होगा, मैं आउट हो जाऊंगा या मैं सही नहीं खेल पाऊंगा। वाई? बिकॉज मुझे एडजस्ट करना है उस बॉलर के अकॉर्डिंग जो मुझे बॉल फेंकी जा रही है। हम में से कई लोग ये गलती बहुत बार करते हैं। हम सोचते हैं हमने इतनी मेहनत की प्रैक्टिस में, हमने इतना सब कुछ अपना डाल दिया, हमने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, बट एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट फील्ड में नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फील्ड को डायनेमिकली यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम हमारा दिमाग नहीं लगा रहे कि बॉलर जब बॉल फेंकेगा वो जिस तरह की बॉल फेंकेगा हम उस तरह से बैटिंग करेंगे। तो मुझे लगता है ये हम में से मैक्सिमम सेल्समैन ये गलती करते हैं। हमको नॉट ओनली सेल्समैनशिप में, आप किसी भी डिस्कशन में, आपको किसी से कुछ भी करना है, आपको मैन मैनेजमेंट भी करना है, डू नॉट गेट स्क्रिप्टेड। जब आप स्क्रिप्टेड होते हैं तो सबसे पहले आप ओरिजिनल नहीं होते हैं। आप हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने जो शॉट प्रैक्टिस किया, इत्तफाक ऐसा हो सकता है उस बॉलर ने मुझे वही बॉल पटकी और मैंने पहली बॉल पे चौका मार दिया, बट बॉलर अब ये गलती दोबारा नहीं करेगा, वो मुझे कुछ ना कुछ दूसरा बॉल फेंकेगा जो मैंने शायद प्रैक्टिस नहीं किया होगा या मैंने जिस पे अच्छा शॉट नहीं खेला होगा। लाइफ भी यही है, जब हम किसी के सामने बैठें तो हम कोशिश ये करें ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस हमने शॉट सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं, बट यूज़ वो करना है जिस तरह की बॉल हमारे सामने आए। तो जिस तरह का चैलेंज है, जिस तरह की बातें चल रही हैं, प्लीज़ यूज़ दैट पर्टिकुलर शॉट या दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। आपको पता होना चाहिए उस डिस्कशन में क्या बात करनी है, आपने क्या सीखा है, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता उस समय, वो इंपॉर्टेंस रखता है कि जो सामने से बात चल के आ रही है आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल वॉट आई डू पर्सनली ऑल्सो। जैसे लोग मुझे अक्सर बोलते हैं कि आई कैन कन्विंस एनी वन, आई कैन, इट इज़ नॉट दैट आई कैन कन्विंस एनी वन, मैं लॉजिक्स ऐसे रखता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है मैं सामने वाले को कई काफ़ी हद तक कन्विंस कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लॉजिक्स को सोचता रहता हूँ। जैसे कहते हैं ना, हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बचपन में सीखते थे कि इफ़ येस देन दिस, इफ़ नो देन दिस, इफ़ दिस देन दिस। तो वैसे मेरा दिमाग या एक सेल्समैन का दिमाग कैसा होना चाहिए, वो उसको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोचते रहना चाहिए कि अगर मेरे कस्टमर ने ये बोला तो मैं ये करूँगा, अगर किसी ने मुझसे ये बात बोली तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, किसी ने मुझसे ये बात बोली। योर माइंड हैज़ टू ब्रीद वॉट यू वॉन्ट टू बी, वो आपको अपने आप रास्ते दिखाएगा, योर बिजनेस विल टॉक टू यू। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन अ रेगुलर प्रैक्टिस विद मी, और मैं इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ, बट आई थॉट कि वाई नॉट टू डिस्कस दिस, बिकॉज इसका कोई ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, ये ऐसे ही अचानक मेरे दिमाग में बातें आती है, तो आई थॉट वाई नॉट टू टेल इट टू द पब्लिक सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ एंड बिकम अ गुड सेल्समैन द वे आई कैन कन्विंस एनी वन, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टू कन्विंस एनी वन, राइट? एंड इट्स अ वेरी सिंपल टूल, लिसन टू समवन व्हेन यू आर आंसरिंग हिम, उसके आंसर उसकी अपनी बातों में है, उसका अपना जो वो बोल रहा है। इसीलिए भगवान ने हमें दो कान दिए हैं और बोलने के लिए एक मुंह दिया है, और दोनों कान के बीच में एक दिमाग दिया है। तो कई बार मैं बोलता हूँ अपना बॉडी प्रोपोर्शन में अगर हम हर चीज़ यूज़ करेंगे तो हम हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। वाई? बिकॉज हम जब ज़्यादा सुनेंगे और उसको दिमाग में प्रोसेस करेंगे और फिर एंड में बोलेंगे तो हमेशा हम सोल्यूशंस पर बात करेंगे, राइट? विद दिस थैंक यू वेरी मच।